दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। यह कारण था जो समुद्र में नहीं डूबे थे रामसेतु के पत्थर जिसे दुनिया करती है नमस्कार। राम जन्मभूमि और बाबर मस्जिद भूमि के सुनवाई के चलते इसकी चर्चा जोरों से है। आज हम आपको रामसेतु के पुल के महत्व के बारे में बताएंगे। जहां राम नाम लिखकर पत्थरों को पानी में फेंका गया लेकिन वे डूबने की जगह पानी पर तैरने लगे और ऐसे में समुद्र के ऊपर लंका तक एक पल का निर्माण हुआ। समुद्र पर बने इस रामसेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं तो साइंस इसके पीछे अपने अलग ही तर्क देता है। और इस पुल निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को जानने के लिए लोगों के मन में आज भी जिज्ञासा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब सम्राट रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया तब श्रीराम ने वानरों की सहायता से समुद्र के मध्य में एक पल का निर्माण किया और यही पल रामसेतु के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस विशाल पुल को वानर सेना ने मात्र 5 दिनों में पूरा कर दिया था। यह पुल 30 किलोमीटर लंबा व 3 किलोमीटर चौड़ा है। भगवान राम के लिए समुद्र पर करना एक विकट समस्या थी तो भगवान राम ने समुद्र देवता की पूजा शुरू की लेकिन समुद्र के प्रकट न होने पर श्रीराम क्रोधित हो गए और समुद्र सूखा देने के लिए अपना धनुष उठाया। इससे भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, हे श्रीराम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थर का पुल बनाए। मैं इन सभी पत्थरों का वजन अपने ऊपर संभल लूंगा। और इसके हल स्वरूप वानरों ने समुद्र में पुल का निर्माण किया। इसके बाद नल व नील ने पुल बनाने की जिम्मेदारी ली और अन्य वानरों के साथ मिलकर पुल बनाने का सामान एकत्रित किया जिसमें पत्थर, पेड़ के तने, मोटी शाखाएं एवं बड़े पत्ते तथा झाड़ शामिल थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि नल व नील जानते थे कि कौन सा पत्थर पानी में किस प्रकार रखा कि डूबे नहीं तथा अन्य पत्थरों को सहारा भी प्रदान हो, इसलिए उन्होंने प्यूमाइस स्टोन का उपयोग किया होगा। यह ऐसे पत्थर है जो ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। इनमें कई सारे छिद्र होने के कारण ये स्पंजी या खांकरा रूप ले लेते हैं और पानी में डूबते नहीं। इनका वजन सामान्य से कम होते हैं। अब यह सेतु समुद्र में नीचे डूब गया है जिसे नासा ने सैटेलाइट की मदद से खोज निकाला है।